CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रभु में आपका जीवन प्रेयरफुली एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। दोस्तों, देखते ही देखते जुलाई का महीना के आखिरी हफ्ते में हम आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते हम आंसर प्रेयर सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि वो प्रार्थनाएँ जिनका जवाब हम पाते हैं। और आज हम बात करेंगे पछतावे से की गई प्रार्थना के बारे में। इसका क्या असर होता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम जानेंगे। और आज हम बाइबल में से राजा हिजकिय्याह के जीवन में झांकेंगे। जब उन्होंने पछतावे की प्रार्थना की तो उनके जीवन पर इसका क्या असर हुआ, हम जानेंगे। मानव, मैं सोच रही थी कि हम सब जानते हैं कि जब हम पछतावे के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमें तुरंत वो माफ़ भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना हेजिटेट करते हैं। हम इमीडिएटली, हम जानते हैं कि हमने गलत किया, फिर भी हम बिल्कुल तुरंत हम परमेश्वर के पास माफ़ी के लिए नहीं आते हैं। एक्चुअली जो आपने ये भाव दिखाया है, ये बहुत सारे लोगों का भाव होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी के सामने जाकर अपनी गलतियों को मानेंगे और कहेंगे कि मैंने पहले ऐसे करा था तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारे मन में भी ऐसे ही भाव रहता है कि प्रभु, हो सकता है माफ़ तो कर दें, मगर मेरा दुनिया में क्या होगा, मैं दुनिया में लोगों की नज़रों में गिर जाऊँगा और मैं बहुत कमज़ोर नज़र आऊँगा, आई विल बी मोर वल्नरेबल। तो ये सारी चीज़ें लोग कर हेजिटेट करते हैं। मगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे आज हम जैसे राजा हिजकिय्याह की कहानी से देखना चाहेंगे, देखेंगे उसमें देखेंगे कि जब उसने रिपेंट करा, उसने पुराने तरीकों से पूरे राज्य को फेरा, ना कि सिर्फ अपने आप को, उसने एक जीत को एहसास करा, जीत का एक्सपीरियंस करा। तो रिपेंटेंस वाज विक्ट्री फॉर हिम। वाओ, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग फ्रेंड्स। रिपेंटेंस ब्रिंग्स विक्ट्री और आई एम श्योर ये विक्ट्री हम सब अपने जीवन में चाहते हैं। जी हाँ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़े और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एजेकियेल रे से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की माफ़ी को एक्सपीरियंस किया थ्रू हिज प्रेयर्स ऑफ रिपेंटेंस। आइए दोस्तों इनके जीवन की सच्ची कहानी हम देखें। एक पादरी का बेटा होने के नाते एजेकियेल रे का जीवन चर्च और मसीही कार्यों के इर्द गिर्द चलता रहा, पर जब वो बड़ा हुआ तो उन चीजों से आकर्षित हुआ जो दुनिया उसे देना चाहती थी। अपने पूरे बचपन में मैंने सुना था कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं, पर मैं उन चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जो मुझे नहीं करनी थी। मेरी उत्सुकता की वजह से और मेरे नए दोस्तों ने मुझे सिगरेट पीने, शराब पीने और नशे करने के लिए बढ़ावा दिया। मैं उनमें खो सा गया। जो उत्सुकता से शुरू हुई वो अब एक आदत बन गई थी, पर फिर बाद में मैं उन सब का आदि हो गया। एजेकियेल अपनी लत में घुसता चला गया और वो दोगला जीवन जीने लगा। मैंने खुद को दुनिया की चीजों में सौंपना शुरू कर दिया था। मैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने लगा, यानी कि म्यूजिक बजाना और गाने लिखना, उन्हें खुद के सुख के लिए इस्तेमाल करने लगा। मैंने बार्स और पब्स में बजाना शुरू कर दिया। मैं पार्टियों में जाता, वहाँ लोग मुझे पैसे देते थे। एजेकियेल को लगा कि उसका जीवन डूब रहा है कि तभी एक दिन, मुझे याद है वो तारीख थी 8 जनवरी 2019, मैं अपने दोस्त के घर से निकलकर अपने घर वापस जा रहा था और मैं बाइक पर था। मैंने एक आवाज सुनी मुझसे सवाल करते हुए, कहते हुए कि क्या तुम मानते हो कि मैंने तुम्हें बनाया है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी नहीं पर मेरे विधाता की आवाज थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। फिर मैं कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया, मैं बस रो रहा था, सुबक रहा था अपनी बाइक पर बैठे, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रभु ही थे जो मुझसे सीधे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। एजेकियेल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और प्रभु पर निर्भर रहने लगा ताकि प्रार्थना के जरिए उसे एक सफल जीवन जीने की ताकत मिल सके। मैंने सीखा कि प्रार्थना का मतलब प्रभु से सिर्फ बात करना है,
जब से मैंने वो सीखा, मैंने प्रभु से हर मुमकिन चीजों पर बात करना शुरू किया। अपनी सारी छोटी बड़ी गलतियों के बारे में, ऐसी चीजें जो मैंने की, ऐसी चीजें जिसकी तरफ मैं बार बार आकर्षित हो रहा हूँ, मैंने प्रभु से हर चीज पर बात की और हर उस इंसान के बारे में जो मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं प्रभु से बात कर रहा था, उन्होंने अपने शब्दों के जरिए मुझे दुनिया की सच्चाई से परिचय कराया और उन्होंने मुझे साहस दिया, वो कृपा दी ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। अज़ीकील ने प्रार्थना के जरिए प्रभु से खुद को बदलने की मांग की और वो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सका। आज वो अपने जैसे कई नौजवानों के लिए आशीष है। कितनी सुंदर कहानी है। आपने कहानी में देखा कि अज़ीकील जब अपनी मन मुराव करा, उन्होंने ही टर्न बैक फ्रॉम हिज सिनफुल लाइफ, प्रभु से उन्हें पछताव करा, तब उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। रिपेंटेंस इज विक्ट्री। हमारे पछतावे में, हमारे मन फेराव में ही जीत है। जी हाँ, हम लोग कभी कदार समझते हैं कि हमने जब पछतावा कर लिया, मन फेराव कर लिया या अपनी गलती मान ली, तो हम दूसरों की नज़रों में कमज़ोर नज़र आएंगे। मगर ऐसा नहीं है। प्रभु जानता है कि आपने जो पछतावा करा है, आपने मन फेराव करा है, अब आप प्रभु के सम्मुख आ गए हैं। अब प्रभु के इच्छा के अनुसार आप चलने की चॉइस लेकर चल रहे हैं। और जब प्रभु की इच्छा में चलेंगे तो क्या चीज़ गलत हो सकती है, क्या चीज़ रुक सकती है। यू विल बी विक्टोरियस। आप जीती हुई जीवन जी सकते हैं। और इसको देखते हैं हज़ेकिया के कहानी से। हज़ेकिया एक राजा था, लगभग प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले। वो सदन किंगडम जूडा का राजा था और उसके बारे में दूसरे इतिहास में 31वें चैप्टर में लिखा है कि वो बहुत ही धर्मी, अच्छा और फेथफुल, विश्वास योग्य राजा था। तो देखिए, जिसका पिता बहुत ही दुष्ट था, उसका पुत्र ऐसे कैसे धर्मी बन गया, उसके बारे में बाइबल में ऐसे धर्मी नाम कैसे दे दिया गया। हज़ेकिया 25 की उम्र में जब राजा बनता है, लगभग 715 साल प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, उसे पता चलता है कि मेरे पिता ने तो बहुत गलत काम करा है। उसका मन फेराव करता है अपने का, और साथ ही साथ में राज्य का मन फेराव होता है। और जब वो आता है तो लेवाइट्स के ऑफिस को रीइंस्टेट करता है, लेवियों को वापस बुलाकर उनकी सेवा में लगाता है, प्रभु के हैकल को खोलता है, प्रभु के जो वर्शिप थी दोबारा स्टार्ट होती है, एक तरीके से रिवाइवल, एक तरीके से प्रभु की तरफ लोग अग्रसर हो जाते हैं, प्रार्थनाओं में लग जाते हैं, प्रभु को मानने लगते हैं। और उस समय एक अद्भुत सी घटना होती है। असीरिया, जो उस समय का एक सुपर पावर था, उसने बहुत सारे देशों को रौंदा था और उनको कैप्चर करके कॉन्कर करा था, उसने नॉर्दर्न किंगडम को भी कॉन्कर करा था इज़राइल के, तो वो अब असीरिया का जो राजा है, असीरिया की जो किंगडम है, अब हज़ेकिया जूडा के ऊपर अग्रसर होते हैं और वहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं। और हज़ेकिया इस समय थोड़ा सा ऑफकोर्स घबरा जाएगा, लोग भी घबरा जाएंगे। इस समय वो पछतावा करने के बाद प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा होता है, अब वो प्रभु से प्रार्थना करता है। आइए देखें वो क्या प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना का क्या नतीजा होता है। दूसरे राजा 19:19 में हज़ेकिया प्रार्थना करता है और कहता है, इसलिए अब ए हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। ये एक प्रार्थना सिर्फ राजा की नहीं है, ये एक प्रार्थना उस इंसान की है जिसने एक मन फेराव कर रखा है, जिसने एक रिपेंटेंस और एक तरीके से पूर्णता से पछतावा करके पूरे राज्य को प्रभु की ओर सामने लाया है। अब वो प्रभु से एक पुत्र की तरह प्रार्थना कर सकता है कि हमें बचा। देखिए उस प्रार्थना का क्या नतीजा निकलता है। दूसरे राजा 19:35 में वचन ये कहता है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर अशेरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। आपने देखा कि एक पछतावा किया इंसान जब प्रभु से अपनी प्रार्थना करता है, अपनी मांग करता है, वो प्रार्थना का आंसर मिलता है और उसे विक्ट्री मिलती है, उसे जीत मिलती है। भाई और बहनों, हो सकता है कि आज प्रभु आपसे कह रहा हो कि आप अपनी ज़िंदगी में किए गए कामों का, किए गए बोले गए बोलों का, सोचे गए विचारों का पछतावा करें और प्रभु के पास आएं। प्रभु आपको सिर्फ अपनाएगा ही नहीं, बल्कि अब आगे आने वाले जीवन में आपको विक्ट्री जीत देगा।
हो सकता है ये समय हो कि आपने रियलाइज करा हो कि आपके जीवन में आप वैसा जीवन जी रहे हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के, जो बिल्कुल हार का है, जिसमें आप बंधनों से बनते जा रहे हैं। तो हो सकता है ये आज के एपिसोड में प्रभु आपको बोल रहे हों कि आप अपने आप को अंगीकार करके, पछतावा करके, रिपेंट करके प्रभु के पास आएँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, और देखिए आपके जीवन में एक नया जीवन मिलेगा और साथ ही साथ में विक्ट्री मिलेगी। रिपेंटेंस ब्रिंग्स विक्ट्री। सच ए ब्यूटीफुल थॉट एंड दिस इज अ ट्रूथ कि रिपेंटेंस ब्रिंग्स विक्ट्री, और ये जय हम सब अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आएं, और इस प्रार्थना में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, हमारा नंबर है 9910401010। वी वुड लव टू प्रे विद यू फ्रेंड्स। और यही नंबर हमारे व्हाट्सएप में भी मौजूद है, आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, इनको हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। नंबर याद रखिएगा 9910401010। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम एक ब्रेक लें और जल्दी से वापस आएं, और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी देखेंगे ऑन अनसर्व्ड प्रेयर्स। टू स्टे विद अस। क्रिस्टले एउटै कुरो भन्दै गर्नुको मलाई थाहा भयो, म चाहिँ तेरो बाबु हो, म चाहिँ तेरो पिता हो, अनि तैँले कहिले सोच्दैन पर्दैन कि तँ चाहिँ टुरा हो भनेर। प्रियहरू, यो आज्ञा पालन जब हामीहरू आमा बाबुको गर्छौँ, हामीले वास्तवमा प्रभुको आज्ञालाई पनि पालन गरिराखेका हुन्छौँ। वेलकम बैक दोस्तों, अभी ब्रेक में आपने CBN नेपाली फेसबुक पेज के बारे में जाना। सो ऑल आर लवली नेपाली व्यूअर्स, प्लीज टू लॉग इन टू द फेसबुक पेज एंड बी ब्लेस्ड। आज की थीम है जैसे कि आंसर्ड प्रेयर्स, पछतावे के बाद की आंसर्ड प्रेयर्स। और हमने देखा हज़ायका की लाइफ से कि जब उसने प्रभु से प्रार्थना करी तो उसने जीत विक्ट्री प्राप्त करी। आइए एक और हम लाइफ स्टोरी से देखेंगे, साम अर्पण डेविड की, जिन्होंने प्रभु के सामने अपनी लाइफ को खोल के रख दिया पछतावे के बाद, और देखिए उनको प्रभु ने क्या नई दिशा दी। साम अर्पण डेविड राजस्थान के झालावाड़ के एक छोटे से गांव छछौरनी में रहते हैं। उनके पिता एक पास्टर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। इस कारण साम ज्यादातर समय दोस्तों के साथ रहते थे, क्योंकि मॉम स्कूल जाती थी, पापा मिनिस्ट्री में बिजी रहते थे, तो मुझे घर में अकेलापन रहता था। मैं ज़्यादा बहुत घुटन सा महसूस करता था, अकेला पढ़ने लगा। इसलिए दोस्तों में प्यार ढूंढने लगा, और जब दोस्त बने तो वो भी अच्छे ही नहीं थे सारे, और फिर मैं गलत चीज़ों में पड़ गया। मैं ड्रग्स में आ गया, मैं स्मोकिंग करने लगा, फॉर्निकेशन करने लगा, वुमनाइजर हो गया। मैं अकेला था, मेरे पास जो मुझे चाहिए था मुझे सब मिल रहा था, पर मेरे पास शांति नहीं थी, मेरे पास सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो खालीपन मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा था। बस एक चीज़ जो प्रभु ने मेरे साथ होने दी वो ये थी कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। साम के मन परिवर्तन के लिए उनके माता पिता प्रार्थना करते थे। इस दौरान ऐसा हो रहा था, जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि मेरे पिताजी जो थे वो मेरे लिए कम से कम एक साल भर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। उन्होंने मेरे साथ मेरे लिए उपवास करके प्रार्थना करी। उन्होंने कभी भी पेशेंस लूज नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपना धीरज लूज नहीं किया। वो प्रार्थना करते रहे। इस बीच शाम की मुलाकात एक पास्टर से हुई। वो प्रॉफिट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला
कि आपने 8 बार मिस्टेक करी और वो 8 गिनती मेरे यू नो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखें बंद थी पर मेरी आंखों के सामने सब आ रहा था। फिर उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। मैंने बोला ठीक है आप जैसा चाहते हैं। उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और उन्होंने प्रार्थना करी और मुझसे कहा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और उन्होंने बोला कि अपने दोनों हाथ उठाओ। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए, वो उन्होंने मेरे हृदय पे हाथ रखा, छाती पर हाथ रखा, पर उस वो रखने के बाद जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो आंसुओं से रोने लगे और वो घुटनों पे आ गए और उन्होंने बहुत जोर जोर से जमीन पे बैंग्स किए और फिर उन्होंने कहा कि परमेश्वर इसे एक मौका और दे। मैं घुटनों पे आ गया और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रोने लगा क्योंकि मैं जिसे नहीं जानता, जिसे आज तक मैं नहीं मिला, वो मेरे लिए रो रहे हैं, परमेश्वर से बोल रहे हैं परमेश्वर उसे एक मौका और दे दे। मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक तसल्ली, एक पीस, शांति और एक सुकून था। अब साम का मन बदल रहा था और वो 40 दिन की प्रेयर मीटिंग में भाग लेने ब्राका गए। वहां पर परमेश्वर ने मुझे छुआ। 3 दिन का आखिरी में फास्टिंग होता था और उन फास्टिंग के दिनों में मैंने फर्स्ट डे मुझे याद है कि मुझे कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ पर सेकेंड डे और थर्ड डे वॉज होल वर्शिप, पूरे दिन वर्शिप था। और उस प्रेयर में, उस फास्टिंग में, उस वर्शिप में मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 4 बजे तक सिर्फ रो रहा था और रोते रोते मैं सिर्फ यही कन्फेस कर रहा था कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अब आपने बनाइए, मुझे अपने जैसा बनाइए, जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था ये वचन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, ये था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है क्योंकि एलिया भी तो आपके और मेरे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदला। उसके बाद साम अपने परिवार के साथ सेवा कार्यों में लग गए और बराका से आने के बाद में, क्योंकि मैं ड्रग अडिक्ट से डिलीवर हुआ था, एडिक्शन से डिलीवर हुआ था, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करने लगा जो ड्रग अडिक्ट हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुन के उन्हें एडिक्शन से फ्री कर रहे हैं। हमारे प्रार्थना करने में बहुत सामर्थ्य है और यीशु मसीह भी सुबह प्रतिभोर को उठ के प्रार्थना करने जाते थे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ और प्रार्थनाओं की वजह से हूँ। हमने देखा कि अर्पण की लाइफ में कितनी कितनी समस्याओं में फंसा हुआ था मगर उनके पिताजी ने जब उनके लिए प्रार्थना करी और उसके लिए एक पास्टर ने आके प्रार्थना करी तो प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में कैसे काम करा एंड पूरा मन फिराव उसकी लाइफ में आया और उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल नई दिशा मिल गई। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं पछतावे के साथ और प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। ये खुद अर्पण कह रहे हैं, जब हम पछतावे के साथ परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें माफ़ करता है, वो हमारा प्रेमी पिता है और वो हमें एक नई दिशा देता है जैसे उन्होंने अर्पण को दी। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। To stay with us. वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आंसर प्रेयर सीरीज में बात कर रहे हैं प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस के बारे में और अब भी समय है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें और पढ़ें आपके मैसेजेस। तो आज का पहला मैसेज है खेओका का जो व्हाट्सएप से आया है और ये कह रही है आप मेरी मदर और मेरे परिवार की वेल बींग के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और शक्ति दे ताकि मैं अपने पापों को उनके सामने कन्फेस कर पाऊँ क्योंकि मैंने उन्हें इतने लंबे समय तक चोट पहुंचाई है और धोखा दिया है। खेओका, आपने जैसे आज देखा कि रिपेंटेंस में विक्ट्री है, आपकी प्रार्थनाएं प्रभु ज़रूर सुनेंगे।
जी बिल्कुल। और आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है अभिषेक उराव ने। और अभिषेक कह रहे हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं हर प्रकार के पाप से मुक्त हूँ, क्योंकि पाप ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी हो जाता है। कृपया इस गंभीर विषय और मेरे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। अभिषेक, ये जानिए कि प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है और कबूल कर रहा है, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि आप पाप ना करें। और अब हम प्रदीप कुमार का व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, मेरी बेटी जो सिर्फ 7 ईयर्स ओल्ड है, उसे ब्लड कैंसर है। कृपया मेरी बेटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रदीप, धन्यवाद अपने प्रेयर पॉइंट का। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु में सामर्थ्य है चंगाई देने की, हम उनसे ज़रूर गुहार लगाएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग इन सारी प्रेयर पॉइंट्स को, इन सारे प्रेयर के विषयों को प्रभु के सामने रखते हैं, और भी जनरल प्रेयर भी रखेंगे। जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, हम उनके लिए नहीं प्रार्थना कर पाए। दयालु मालिक, दयालु प्रेमी पिता, हम आपके सम्मुख ये सारे प्रेयर पॉइंट्स रखते हैं, क्योका का, अभिषेक का, प्रदीप का। प्रभु जी, आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में कोई पाप की जगह नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़े जाने की वजह से उन पाप को क्रूस पे ले लिया था, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दी थी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन भाइयों ने, बहनों ने ये प्रार्थना के विषय रखे हैं कि उन्हें पाप से रहित करा जाए, उन्हें नए जीवन की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रभु जी, वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़े जाने पर और प्रभु यीशु मसीह के रक्त की वजह से वो पाप से मुक्त हैं प्रभु जी, उनको नए जीवन स्टार्ट कर सकते हैं रिपेंटेंस के साथ, पछतावे के साथ। प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं चंगाई के लिए हैं, आपके भवन में आई हैं मालिक, उनको स्वीकार करें प्रभु जी। आप में सामर्थ्य, आप में योग्यता है बीमारी से हमें दूर कर कर नई जीवन देने की, नए तरीके के चंगाई देने की। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना भी करता हूँ मानसिक रीति से जो लोग ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनको भी मानसिक रीति से चंगाई दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन में हमें क्या बता रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है ना, जो हमें इनकरेज कर रहा है। हिजकिय्याह के जीवन में हम देखते हैं कि उसने पछतावा किया अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने पिता की गलतियों के लिए उसने पछतावा किया। और इसका रिजल्ट क्या आया उसके जीवन में? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का आदर किया। जब हम भी पछतावे के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जैसा कि आज हमने सीखा, रिपेंटेंस ब्रिंग्स विक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा है कि हमारे पछतावे में हमारी जीत है। आज हमने दो बहुत ही गंभीर कहानियों से देखा कि प्रभु ने उन कहानियों में पछतावा देखकर उनको कैसा एक नया जिंदगी का दौर दिया। इजिकिया की कहानी से और साथ में हमने अर्पण डेविड की कहानी से देखा, और दोनों की जिंदगियों में प्रभु ने कैसा बदलाव दिया जब उन लोगों ने अपने पाप माने और प्रभु के सामने पछतावे के साथ आए। और हमने आज हिजकिय्याह की, राजा हिजकिय्याह की कहानी से देखा कि जब उसने अपना ही नहीं पछतावा करा, पूरे देश का पछतावा करा, तो प्रभु ने उसे योग्य बनाया कि वो जितने भी विरुद्ध देश थे, उसके अगेंस्ट आ रहे थे, उनके ऊपर भी विक्ट्री पा सके। भाई और बहनों, हो सकता है कि आज आपसे प्रभु बात कर रहा है कि आप एक विक्ट्री की तलाश में घूम रहे हैं, और वो विक्ट्री प्रभु यीशु मसीह के सामने आपके पछतावे में है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि आपसे हम इजाज़त लें। कल हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और आंसर प्रेयर्स में हम कॉर्पोरेट प्रेयर के बारे में जानेंगे। और अब समय है कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनाएं, और ये है प्रार्थना की सुनने वाला मसीहा, और ये आपके लिए गा रहे हैं यीशु दरबार की कॉयर। तो इस गीत को आप इंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।